लोक महोत्सव के रूप में मनाया गया उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। जी आपको बता दें कि मुंबई के विले पार्ले परिसर में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह 2022 का आयोजन अभियान संस्था के द्वारा लोक महोत्सव के रूप में मनाया गया। अमरजीत मिश्र अभियान संस्था के माध्यम से पिछले कई सालों से मुंबई में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का शुभारंभ किए हैं। इस मौके पर लोक महोत्सव के जरिए प्रदेश कला की और संस्कृति से परिचय कराना उनका उद्देश्य है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक आशीष शेलार उपस्थित थे। साथ ही भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री अंजना सिंह, गायिका प्रियंका सिंह, डॉक्टर अनिल मिश्र, डॉक्टर सोमा घोष, ज्ञान प्रकाश सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, राधे श्याम वर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, शिवानी मिश्रा को सम्मानित किया गया। इस लोक महोत्सव में अपनी आवाज़ से उत्तर प्रदेश के लोक गीतों को प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध करने वाले गायक सुरेश शुक्ला एवं उनकी टीम का भी सम्मान किया गया। कोरोना काल चल रहा है तो आज हम सभी लोग, आप लोग सभी समझ सकते हैं कि संख्या आज कम है, बट मैं यही बोलना चाहूंगी कि सियापति रामचंद्र की जय। प्रियंका बहुत ही अच्छा गाती है, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा सुनाएं प्लीज। सबसे पहले इस मंच से जितने जो विशिष्ट अतिथि हैं सबको मेरा इस मंच से प्रणाम है। मैं बहुत ही छोटी हूँ आप सबसे। हर साल अभियान की तरफ से वैसे खुले मंच या खुले मैदान में ये कार्यक्रम होता है। आज कोरोना के इस महामारी को चलते बहुत ही मर्यादित इस प्रकार की संख्या की उपस्थिति में दीनानाथ में कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम जब अभियान खुले मैदान में करता है तब उसकी उपस्थिति और उस उपस्थिति में रंगारंग इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, सम्मान मूर्तियों का स्वागत और उनका अभिनंदन, मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे पहले इस प्रकार का कोई कार्यक्रम किसी ने किया होगा तो हमारे भाई अमरजीत मिश्र ने और अभियान ने कार्यक्रम किया। सबका साथ सबका विकास, यह अभी इस देश का सिर्फ नारा नहीं रहा। सबका साथ सबका विकास यह सत्यता की कसौटी पर खरा उतरने वाला इस देश का कार्यक्रम बन चुका है और उसमें यह विकास का रास्ता इस हिंदुस्तान का अगर महाराष्ट्र से निकलता है तो उत्तर प्रदेश को साथ में लेकर ही पूरे हिंदुस्तान में अग्रिम रूप से अपना परिचय दे सकता है। इतना बड़ा काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा। विषय है प्रभु श्री राम का मंदिर। यह प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में वहां पर चलो सर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? भारत यहाँ पर हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन मुंबई शहर में होता है, बड़े पैमाने पर होता है। लोग मिलते हैं, गांव की बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग एक छत के नीचे मिलकर राजनीति से ऊपर अपनी बातें करते हैं, खास करके सांस्कृतिक अपनी जो धरोहर है उसको पुष्पित प्रलित करने की बात करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो बदले हुए हालात है, आज जब हम पहले देखा करते थे तो उत्तर प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण होता था, जर्जर सड़कें हुआ करती थी,
पूरा वातावरण खराब हुआ करता था, लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में एक नए उत्तर प्रदेश की कल्पना, जिसे उद्यम प्रदेश कहा जा सकता, जहाँ नए नए उद्यमी आते हैं नए उद्योग धंधे लगाने के लिए, फिल्म सिटी का बड़े बड़ा निर्माण हो रहा है, जहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ी है, कृषि भी बढ़ा है, कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है और इंडस्ट्री भी बढ़ी है, जहाँ पर लोग आने में अपने आप को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक समझते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक समझते हैं। ऐसे में जब फिल्म इंडस्ट्री की भी पहली पसंद उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर काशी मथुरा अयोध्या का नवीनीकरण किया जा रहा हो, ऐसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का आदमी तो प्रेम करेगा ही, दुनिया का आदमी उत्तर प्रदेश से प्रेम करने लगा है, और ऐसे बदले हालात में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह करना अपने आप में आनंद का विषय है। मुंबई शहर में रहने वाले तमाम उत्तर प्रदेश के लोग, आने वाले दिनों में जो ये क्रम चला है विकास का, ये आगे भी गतिशील रहे, योगी जी के नेतृत्व में फिर से उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में आगे बढ़े, इसके लिए आज हम लोगों ने अपनी शुभकामनाएं भी दी, साधुवाद भी दिया, और विकास इसी तरफ बढ़े। जब कोरोना काल में यहाँ से लोग गए तो वहाँ पर लोगों ने उनका खैर मकदम किया, स्वागत किया, उनको सारी सुरक्षा भी दी और सुविधाएं भी मुहैया कराई। ऐसी सरकार पहली बार देखने को मिल रही है, जब प्रतिभाओं का पलायन हुआ करता था, लेकिन आज प्रतिभाओं का पलायन नहीं हो रहा है, जो प्रतिभाएं लौट रही हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश में, ऐसे बदले हुए उत्तर प्रदेश में लोगों को आनंद भी आ रहा है, और इसलिए आज उत्तर प्रदेश दिवस का जब मुंबई में आयोजन हो रहा है तो लोगों को खुशी। ठीक है, आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, जो बीजेपी के कई सारे बड़े नेता भी आए, कई भोजपुरी के कई अभिनेत्री भी है, कई स्टार भी आए। तो अभियान का एक रहा है कि अभियान विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मुंबई शहर में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान करती है। अगर गांव में एक विद्यालय बनाया है तो विद्यालय जो है वहाँ पर सरस्वती के उपासकों की नई फौज तैयार करेगा, ऐसे वहाँ पर जो लोग अस्पताल बनाए हैं उनको दिया है, अपनी सेवा अपने श्रम से जो कुछ प्राप्त किया है उसका एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी पहुँचाया है, ऐसे लोगों का हम नित्य यहाँ सम्मान करते रहे। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे रश्मि जी? जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं या जो उत्तर प्रदेश में, देखिए एक संदेश यह है कि उत्तर प्रदेश में आपकी कर्मभूमि, आपकी मातृभूमि में भी आपका एक हिस्सा लगना चाहिए, और जैसे हम वहाँ जाते हैं वहाँ की खेती का, वहाँ के सौंदर्य का, वहाँ की छटा का, वहाँ अपने पूर्वजों की धरती का जो आनंद लेते हैं, उसके विकास के लिए भी हमने भी सोचना चाहिए। सरकारी तौर पर तो काम हो रहा है, लेकिन हम भी अपने आय का एक हिस्सा अपने गाँव में लगाएं, शौचालय ही बनवाएं, वहां पर सड़कें ही बनवाने के लिए कोशिश करें, ऐसा अगर अस्पताल भी बनवाते हैं, इस तरह का उद्योग भी करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का नक्शा बदलेगा। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर प्रवासी वहां जाएं और वहां के सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करें। धन्यवाद।